नमस्कार, मैं हूं नीरज मिश्रा और आप देख रहे हैं आज की खबर। लखनऊ विकास प्राधिकरण में किस तरह से नियमों को ताक पर रखकर लूट की जा रही है, ये हम आपको बताएंगे। एक ही जगह से चलने वाली कंपनियों को सिंगल टेंडर पर व्यावसायिक भूखंड आवंटित कर दिए गए। कंपनी अलग अलग नाम से भले हो, लेकिन इस कंपनी के पीछे एक ही शख्स है। इस मामले में कमिश्नर ने फाइनेंस कंट्रोलर और संयुक्त सचिव को दोषी पाया, साथ ही वीसी की भी भूमिका इस पूरे मामले में संदिग्ध पाई गई, लेकिन अभी तक किसी अधिकारी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। देखिए, लखनऊ विकास प्राधिकरण में या तो शासन स्तर पर, चूंकि कमिश्नर बहुत ही ईमानदारी के साथ इस पर काम कर रहे हैं, और लखनऊ विकास प्राधिकरण में हमारे उपाध्यक्ष, वित्त नियंत्रक तथा डीएम कटिहार, जो सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। इससे पहले भी 10 वर्ष तक लखनऊ विकास प्राधिकरण में डीएम कटिहार रह चुके हैं। लखनऊ विकास प्राधिकरण में अधिकारियों और बिल्डर के गठजोड़ का खुलासा। एक ही पते पर चल रही हैं कई कंपनियां, अलग अलग नामों से एलडीए में करा रही हैं व्यावसायिक भूखंड आवंटित। 18 व्यावसायिक भूखंड एक ही व्यक्ति के पास। जांच में दोषी पाए गए फाइनेंस कंट्रोलर और संयुक्त सचिव। हमें लगता है कि सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री महोदय को, इस प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए कमिश्नर साहब के द्वारा भेजी गई जांच रिपोर्ट और इनके द्वारा अनुशंसा जो की गई, उनके खिलाफ कठोर कदम उठाने चाहिए। लखनऊ विकास प्राधिकरण को लूट विकास प्राधिकरण यूं ही नहीं कहा जाता। यहां पर एलडीए को खोखला करने के लिए तमाम प्लानिंग खुद अधिकारी और बिल्डर मिलकर करते हैं। ये खुलासा किया है लखनऊ विकास प्राधिकरण के कर्मचारी यूनियन के अध्यक्ष एसपी सिंह ने। एसपी सिंह ने विकास प्राधिकरण के अधिकारियों की पोल खोलते हुए बताया कि पिछले 2 वित्तीय वर्षों में 45 से अधिक व्यावसायिक भूखंडों को ऐसी कंपनियों को आवंटित कर दिया गया जो कंपनियां कुछ दिन पहले ही बनी थी। नियम कानून को ताक पर रखकर एलडीए के अधिकारियों ने 18 व्यावसायिक भूखंड एक ही जगह पर रजिस्टर्ड। पैराग्रीन, आरपी ग्रीन, आरपी ग्रीन स्टेट, प्रोलाइन, पैराडॉक्स, कैपिरेरा, इन कंपनियों के नाम भले ही अलग अलग हों, लेकिन इनके पीछे एक ही ग्रुप है और ये कंपनियां एक ही स्थान से संचालित हो रही हैं। इसके साथ ही एक और भी खेल हम आपको दिखाएंगे। सिंगल टेंडर पर व्यावसायिक भूखंड आवंटित किए जा रहे हैं। इसके साथ ही अगर 2 लोगों ने टेंडर भरा है तो वो एक ही शख्स है, और साथ ही जो धनराशि भरी गई है उसको भी ध्यान से देखिए, क्योंकि आरक्षित दर से महज 20-25 रुपए अधिक की दर भरने पर ये टेंडर इन कंपनियों को मिल जाता है। तो क्या आरक्षित दर पहले से ही ओपन हो जाती है? कर्मचारी यूनियन के अध्यक्ष एसपी सिंह की शिकायत पर कमिश्नर ने लखनऊ विकास प्राधिकरण के फाइनेंस कंट्रोलर और संयुक्त सचिव के साथ एलडीए के वीसी की भी भूमिका संदिग्ध पाई और कार्रवाई के लिए लिखा, लेकिन अब तक इन अधिकारियों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। वहीं संयुक्त सचिव डीएम कटियार नगर निगम सेवा के हैं, लेकिन वो पिछले 10 वर्षों से लखनऊ विकास प्राधिकरण में पैर जमाए बैठे हैं। देखिए, लखनऊ विकास प्राधिकरण में आय के स्रोत बढ़ाने के लिए हम विभिन्न योजनाओं में अपने विभिन्न श्रेणी के वर्गों के व्यावसायिक भूखंडों को काटते हैं और उसको बेचते हैं। लखनऊ विकास प्राधिकरण ने पिछले 2 वित्तीय वर्षों में 17-18 और 18-19 में सरकार के गठन होने के पश्चात जो यहाँ पे पदाधिकारी अधिकारी पदस्थ किए गए, उसमें उपाध्यक्ष प्रभु नारायण सिंह और वित्त नियंत्रक राजीव कुमार सिंह तथा उन्हीं के साथ प्रतिनियुक्त आए हुए डीएम कटिहार संयुक्त सचिव के रूप में लखनऊ विकास प्राधिकरण पदस्थ किए गए। इन लोगों ने इन 2 वर्षों में लखनऊ विकास प्राधिकरण में कम से कम 45 व्यावसायिक भूखंडों में करोड़ों रुपए की आर्थिक क्षति पहुंचाई। उसमें तमाम ऐसी कंपनियां जो कि रजिस्टर्ड ही नहीं है, टेंडर आवंटन का नियम है कि प्रत्येक कंपनी को कम से कम 3 वित्तीय वर्षों में टैक्स पेयर होना चाहिए और जो संपत्ति को क्रय कर रही है उसकी उसके हिसाब से एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे पिछले 3 वर्षों में चाहे प्रोलाइन कंपनी हो, पैराडॉक्स कंपनी हो, कैपिबेरा हो, आरपी ग्रीन हो, आरपी ग्रीन स्टेट्स हो, श्रीमती आरपी सिंह और श्री आरपी सिंह और रीना सिंह की कंपनी हो, इस टाइप के जिसमें वो एक ही लोग डायरेक्टर हैं, इस एक कंपनी को शहर के 18 व्यावसायिक भूखंडों का आवंटन किया गया है और उसके सारे भूखंड सिंगल टेंडर पर पाए गए हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि सारे भूखंडों की जो व्यावसायिक दर है उसमें 0.5% की बढ़ोतरी भी नहीं हुई है। तो ये इसके हम लोगों ने कमिश्नर से बात की थी
कमिश्नर साहब ने इस पूरे प्रकरण की जांच करी। जांच में लखनऊ विकास प्राधिकरण में वर्तमान में पदस्थ वित्त नियंत्रक राजीव कुमार सिंह, संयुक्त सचिव डीएम कटियार पूर्णतया दोषी पाए गए हैं और इनको खिलाफ कठोर कदम उठाने के लिए, इनको यहाँ से हटाने के लिए तथा इनको निलंबित करने के लिए कमिश्नर साहब ने शासन को रिकमेंड किया है। उसके पश्चात इसमें उन्होंने ये भी लिखा है कि लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष पीएन सिंह की भूमिका भी काफ़ी संदिग्ध है। उन्होंने अपने विवेक इन आवंटनों के स्वीकृति देने में अपने विवेक का परिचय नहीं दिया है। इससे लगता है कि तीनों लोग मिलकर के लखनऊ विकास प्राधिकरण को करोड़ों रुपये की आर्थिक क्षति पहुँचा रहे हैं और उसमें अपरोक्ष रूप से ये मालामाल हो रहे हैं। इस पूरे प्रकरण की आर्थिक अनुसंधान से भी जाँच करा लिया जाए, ईडी से अगर छापे डलवाए जाएँ तो पता चलेगा एक एक कंपनी एक ही पते पर, पिछले 18-18, 20-20 कंपनियाँ एक ही पते पर काम कर रही हैं। कमिश्नर ने इसकी पूरी पुष्टि करी है। बचाने की किस तरह से कोशिश की जा रही है? देखिए, लखनऊ विकास प्राधिकरण में या तो शासन स्तर पर, चूँकि कमिश्नर बहुत ही ईमानदारी के साथ इस पर काम कर रहे हैं और लखनऊ विकास प्राधिकरण में हमारे उपाध्यक्ष वित्त नियंत्रक तथा डीएम कटियार जो सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, इससे पहले भी 10 वर्ष तक लखनऊ विकास प्राधिकरण में डीएम कटियार रह चुके हैं। तमाम तरह के भूखंडों के आवंटन में उनकी भूमिका संदिग्ध रही है। उन्होंने लखनऊ विकास प्राधिकरण को करोड़ों रुपये की आर्थिक क्षति पहुंचाई है। चूँकि वो नगर पालिका सेवा के हैं, विकास प्राधिकरण में प्रतिनियुक्त पे आए हैं, इससे पहले भी 10 साल रह चुके हैं और इस सरकार ने कठोर कहा था कि जो भी व्यक्ति एक विभाग में प्रतिनियुक्त पे 2-3 साल काम कर चुका है उसकी वहाँ पे उसको पदस्थ नहीं किया जाएगा। उसके पश्चात भी लग रहा है कि सरकार को कहीं ना कहीं से इन्होंने अपरोक्ष रूप से काफ़ी पैसा दिया है और कुछ ऐसे लोग शासन में लगे हुए हैं जो सरकार की छवि को गिराने का षड्यंत्र कर रहे हैं। हमें लगता है कि सरकार को माननीय मुख्यमंत्री महोदय को इस प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए कमिश्नर साहब के द्वारा भेजी गई जांच रिपोर्ट और इनके द्वारा अनुशंसा जो की गई उनके खिलाफ कठोर कदम उठाने चाहिए। हमारा काम था लखनऊ विकास प्राधिकरण में चल रही संगठित लूट का खुलासा करना। अब कार्रवाई सरकार को करनी है। अब देखना यह होगा कि सरकार ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई की गाज कब गिराती है। ज्यादा जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आज की खबर।